बुल्ले शानू सद्दो शाह नायद दिबूहे, जिसने मेनू पवाए चोले सावे तिसूहे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाबा बुल्ले शाह के दरबार पे, और अगर मैं इनके असल नाम की बात करूँ तो वो था सैयद अब्दुल्ला शाह कादरी, और लेकिन कह लें कि बाबा बुल्ले शाह के नाम से मशहूर थे। जो लोग इनसे बड़ी मोहब्बत करते थे वो उन्हें बुलिया कहते थे, बुल्ला भी कहते थे। और इनके वालिद का नाम शाह मोहम्मद दरवेश था, इनकी वालिदा का नाम फ़ातिमा बीबी था। अगर इनकी पैदाइश की बात करूँ तो इनकी पैदाइश हुई थी 1680 में और इनकी वफ़ात हुई थी 1757 में। कह लें कि तकरीबन 70 साल की उम्र में इन्होंने वफ़ात पाई थी। बाबा बुल्ले शाह के स्पिरिचुअल टीचर, जिन्हें आप पीर भी कह सकते हैं, मुर्शिद भी कह सकते हैं, शाह अनायतुल्ला हुसैन कादरी थे। और जब बाबा बुल्ले शाह शाह अनायतुल्ला हुसैन कादरी की मुरीदी में आए तो उनके रिश्तेदारों ने उन्हें ताने देना शुरू कर दिए कि ये तो अराई हैं, आप सैयद हैं, आप छोड़ दें उन्हें। तो उनके रिश्तेदार उन्हें कहा करते थे कि तू आल नबी हैं, औलाद नबी हैं, छड़ दे पल्ला राइयाँ। लेकिन बाबा बुल्ले शाह का अपने मुर्शिद से इस कदर इश्क था कि आगे से उनका जवाब होता था, जेड़ा सानू सैयद सद्दे दोजख मिले सजाइयाँ। सो ये एक आलम था उनका अपने मुर्शिद से इश्क का। अभी अंदर उनके मज़ार पे चलते हैं और यहाँ के अंदरूनी मनाजर देखते हैं। इस वक्त हमारे साथ मलिक आरिफ साहब मौजूद हैं, जो कि कसूर के रिहायशी भी हैं, हिस्टोरियन भी हैं, और बाबा बुल्ले शाह साहब से इनका बड़ा गहरा लगाव भी है। आइए इन्हीं से जानते हैं बाबा बुल्ले शाह साहब के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर। बाबा बुल्ले शाह साहब से चूँकि आपका बेहद लगाव है तो आप बहुत कुछ जानते हैं उनके बारे में, तो थोड़ा सा हमें ब्रीफ कीजिएगा। मैं बाबा बुल्ले शाह का दीवाना हूँ, उनका आशिक हूँ। यहाँ पर मेरी हाज़िरी जो है वो हर हफ्ते होती है। तो यहाँ पर अगर आप बाबा बुल्ले शाह की बात करें तो हमारे लिए तो फ़ख्र है, वो पूरे पंजाब के लिए फ़ख्र है। बरसगीर पाको हिंद के एक नामवर बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने ये 1680 ईस्वी की बात है जब बाबा बुल्ले शाह यहाँ पे कसूर में तलीम हासिल करने के लिए दरसो तदरीस की तलीम जो वो हासिल करते रहे हैं। बाबा वारिस शाह भी यहाँ पे ग़ुलाम मुर्तज़ा कसूरी इनके उस्ताद थे, उनके पास यहाँ पे ही उनका मज़ार है, उनके पास जो है वो शागिर्दी करते रहे हैं, यहाँ से तलीम हासिल की। और सन्ने बलोगत में जब आप दाखिल हुए तो मुर्शद इश्क के वजद में आके आपने फिर पंजाबी में काफ़ियाँ लिखी। हाँ जी। और पंजाबी की जो काफ़ियाँ थी वो मौसीकी के लिहाज से मैं अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पर मुराद बीबी हुआ करती थी एक, कोट मुराद खान, ठीक है, जिनके ख़ानदान से मैडम नूर जहान भी हैं। हाँ जी। वो उनके पास जाया करते थे, अपनी काफ़ियाँ वो जो उनको देते थे वो फिर गुनगुनाते थे। अच्छा। तो इस वजह से जो है वो कम्प्रीहेंसिव जो है उनकी काफ़ियाँ मशहूर हुई। ठीक है। और ये पूरे बरसगीर में इनकी काफ़ियाँ मशहूर हैं। तो जब आपने बाबा बुल्ले शाह ने अपने मुर्शद को माना, उनको तस्लीम किया शाह अनायत कादरी को। हाँ जी। तो बुल्ले नु समझावन आईया पहना ते पर जाइया, मन ले बुल्ले साडा कहना छड़ दे पल्ला आराइया। हाँ जी। आल नबी औलाद अली नु तू क्यों लीका लाइया। और आगे से वो फिर बुल्ले शाह कहते हैं, जेड़ा सानू सैयद सदे दोजख मिलन सजाइया, जेड़ा सानू राई आके बिश्ती पिंगा पाइया। और आपने क्या बात है, ये शदे मदे जबरे जेरे इनको ला के एक नुक्ते पे जो है वो छोड़ दिया है कि रब रब कर दे बुढ़े हो गए मल्ला पंडित सारे, रब दा खोज खुरा ना लब्बे सजदे कर कर हारे। वाह वाह। रब ता तेरे अंदर वसदा विच कुरान इशारे, ते बुल्ले शाह रब उन्हां नूं मिलदा जिहड़ा अपने नफ्स नूं मारे। क्या बात। तो इस नुक्ते पे आ गए, आपने सारा कुछ छोड़ दिया, इसको समझने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसी है। और जैसे कि आपने सुना भी, तो बेसिकली बाबा बुल्ले शाह का जो एक बेसिक जिसपे वो उनका इंटरेस्ट था, दैट वाज तसव्वुफ।